बोलो, आप गधे को पीएचडी करा दें तो क्या गधा एजुकेटेड हो जाएगा? तो बहुत से गधे पीएचडी कर लेते हैं तो वो इंसान थोड़ी ना बनेंगे, रहेंगे तो गधे के गधे ही ना। क्या समझे? बोलो। हाँ सर, बात सही है। क्या बात सही है? यही कि सब लिख देते हैं लेकिन उनमें सत्यता नहीं होती। तो लिखने से क्या होता है? ऐसे तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि धरती है वो तो स्थिर है और सूरज घूमता है, तो क्या फिर सूरज घूमने लग जाएगा किताबों में लिखने से? बोलो, बोल दो। हाँ वही। तो ऐसे तो पुराणों में शास्त्रों में लिखा भी शेषनाग के फन के ऊपर धरती खड़ी है, धरती खड़ी है। तो क्या धरती शेषनाग पर खड़ी हो जाएगी? पता नहीं। कोई सच मानेगा कोई नहीं मानेगा। आपको पता है अभी कैमरों से सारा स्पेस देख लिया, धरती घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, चांद धरती के इर्द गिर्द, सारा सब दिखता है। तो बताओ शेषनाग कहाँ छुपा बैठा है? पता नहीं, अब जो देख लेगा वो तो नहीं मानेगा, जो नहीं देखा वो। हाँ तो ऐसे ही आपने मान लिया है। हाँ रियलिटी तो कुछ और थी, आपने काल्पनिक रूप से कुछ और ही मान लिया। उसमें अज्ञानता थी भी ना। हाँ तो ये कहो कि मेरी अज्ञानता ने मुझे फंसाया है। हाँ बिल्कुल, तो ये बात मान लोगे तो ठीक हो जाओगे। क्या माने? लेकिन आप अब इतना बढ़ चुका ना कि मैं ज्ञानी होने पे भी इसको हटा नहीं पाता, ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अब भी कितनी धारणा कमजोर हुई है? होगी सर, कमजोर होगी। ये जो ध्यान लगाने वाला बना है ना, ये सिकुड़े नहीं लगता है, तो इसके आगे कम अगर उसको इसको कमजोर भी हो जाता है थॉट, तो ये फिर अपने रूप दूसरे रूप में आकर के बिन अनचाहा थॉट ना सोचू तब भी इसको डर फायदा हुआ है, पता नहीं किसकी वजह से कि ये सिकुड़ने नहीं लगता, इधर कुछ नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, ये सुकड़ना भी बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा। पहले एक बार आप दिमाग से इस कांटे को समझ गए तो फिर निकाल के फेंकना मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप फिर खुद फेंकना चाहोगे ना। अब आप जब आप ये कह दोगे ना अब मैं समझ गया लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन मैं सच्चाई समझ गया, तो फिर कंट्रोल हो जाएगा। जब आप सच्चाई को जान लो एक बार, पूरी सच्चाई को जानने के बाद फिर ये चीजें नहीं परेशान करेंगी। एक मिनट, एक कौन? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, मैं ना क्लास में था। हाँ राम पुकार जी, मैं क्लास में था, फिर आप बाद में बात कर लें। ओके। शाम को रात को शाम को? हाँ ठीक है। हाँ रात को कर लेना। बताइए। और इसकी वो देखिए बीमारी का मतलब किस तरह का होता, रात में सोते वक्त डिस्टर्ब होते हैं, दींत खुल जाएगी, मुझे नींद नहीं आती अगर दवा ना खाऊं तो। हाँ डिप्रेशन, दवा खाने के बाद भी एक समय आएगा कि एक घिसता हुआ जाएगा और मैं डिस्टर्ब होगा, नींद खुलेगी, वो कंडीशनिंग होगी ना डिस्टर्ब के साथ। ऑटोमेटिक सोते समय भी ओवरथिंकिंग के कारण नींद भी कम हो गई। ओवरथिंकिंग, फिर आपने इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग कर ली बहुत कि वो ओवरथिंकिंग अब डिप्रेशन में बदल गई है। अभी भी ओवरथिंकिंग, एक अवस्था आती है कि जब हद हो जाती है ना तो वो हद डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो अब आपकी अति हो गई है, अति ने डिप्रेशन पैदा किया है। अब इसके बाद कोई स्टेज नहीं बचती, नहीं तो वो भी हो जाती, लेकिन फिर भी आपके लिए वापस आना मुमकिन है। डेटा डिलीट करने से आप वापस आ जाओगे। डेटा डिलीट करते ही ओवरथिंकिंग स्टॉप, फिर डिप्रेशन भी गायब, क्योंकि डिप्रेशन की जो जड़ है वो कांटों पर टिकी हुई है। जब कांटे ही नहीं रहेंगे तो दर्द गायब, जब आपका कांटा निकल गया तो डिप्रेशन गायब। क्या समझे? हाँ निकल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो अभी बताओ कांटा क्या कह रहा है? कांटा मतलब ये सब सत्य जान लिया है, हकीकत जो फैक्टर जो गलत था उसको तो जान लिया है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो मेरे पूरा जानने के बाद पूरी तरह से कभी कभी मुझे मैं इसको सोच कर
रिमूव तो कर लेता हूँ लेकिन फिर दोबारा अटैक कर, वो तो करेगा करेगा, लेकिन आप एक बार जान लिया तो फिर थेरेपी करेंगे ना। अभी थेरेपी स्टार्ट करनी है, अभी तो काउंसलिंग फेज में चल रहे हैं ना, एक बार डाटा को समझ लो, डिलीट करना तो अभी बाकी है ना, पहले समझ तो लो कि डिलीट क्या करना है। कितने सालों से है ये समस्या? 2000 से 23 सालों की समस्या है, हजारों लाखों का डाटा इकट्ठा है, उसको निकालना है। तो जब तक वो हजारों लाखों का डाटा है तब तक तो वो आता ही रहेगा ना सोच, बार बार सेंसेशन महसूस होती रहेगी ना, क्योंकि लाखों का डाटा पड़ा हुआ है। क्या लाखों का डाटा? तो उस डाटा को डिलीट करना है। कैसे डिलीट होगा? वो गाली थेरेपी से और कैथार्सिस से और हिप्नोसिस से। कैथार्सिस क्या होता? कैथार्सिस क्या है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर कैथार्सिस और गाली थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो अभी बातें जो पूछने वाली है वो पूछ लो, फिर आप क्योंकि जब हाँ गाली थेरेपी शुरू करेंगे फिर पूछने का जो लेक्चर है वो बंद हो जाएगा, और कैथार्सिस में भी पूछना नहीं होगा, फिर तो कुछ एक्टिविटी होगी, और हिप्नोसिस में भी पूछना नहीं होता। तो जितनी भी बातें करनी है, क्योंकि वो पहले हम बातें कर लेते हैं, फिर बातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। नहीं तो बातें मुझे लगता है यही सब थी जो मैंने बताया। चलो फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार दोहरा देता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन बचे ही ना जी। कांटा नंबर तीन, कांटे नंबर तीन की हम बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि सोच लिया, सेक्सुअल थॉट आ गया, तो इसका मतलब वीर्य निकल गया, और वीर्य निकला है शरीर के किसी न किसी हिस्से में, हाँ उस हिस्से में निकला है, तो ये एक कांटा नंबर तीन है। अच्छा हाँ सर, एक चीज मुझे अगर मान लीजिए बाय द वे सीमेन निकल भी गया तो मुझे प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है? क्यों होती है? सीमन कौन सा सीमन? मेरा जो सीमन निकलने का डर है, या फिर कि सीमन निकल जाएगा, मुझे ऐसा डर आखिर है क्यों? वो डेटा के दम पर, क्योंकि सीमन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खून से बनता है, दिमाग चलाता है, वो तो जो फेक डेटा था, फेक डेटा है, इम्पोर्टेंट नहीं है सीमन? सीमन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? अब पेड़ के लिए बीज कितने की इम्पोर्टेंट है? बीजों को छोड़ना ही होता है ना, आगे के जो पेड़ पौधे हैं वो उसी बीज से उगेंगे। तो हमारा सीमन इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चा पैदा करना है, इसका और क्या उद्देश्य है? बच्चे पैदा करने के लिए तो है ना, वंश वृद्धि करनी है, आपने अपने बच्चे पैदा करने हैं, बस सीमन और क्या किस लिए बनता है? बच्चों के लिए है ना। पेड़ के ऊपर फल किस बीज किस लिए होते हैं बताओ? बताओ, खाने के लिए। खाने के लिए तो बीज क्यों होते हैं? पेड़ बीज क्यों पैदा करता है? खाने के लिए होगा, वो तो फल हो गए ना, खाने के लिए पौधे दूसरे हो सकते हैं। हाँ तो ऐसे ही वीर्य है, वीर्य क्यों बनता है शरीर में? ताकि बच्चे पैदा हो जाएं। और तो कोई इसका औचित्य नहीं है ना, और तो कुछ है ही नहीं ना, बताओ इसके अलावा इसकी क्या वैल्यू है? क्या इसे बेचा जा सकता है? क्या बेचने के तो काम नहीं आता? अब तो चलो कोई बिकता होगा, कोई सीमन के कोई चलो अलग अलग वो संचित करके रखते होंगे, लेकिन कुदरत के नजरों में जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी है कि आप बच्चे पैदा करो, आप अपना वंश आगे बढ़ाओ, इसलिए वो जैसे एक पेड़ है उस पर करोड़ों बीज आते हैं ना, अरबों करोड़ों आते हैं ना, वैसे ही एक ml वीर्य में लाखों अरबों शुक्राणु होते हैं। हाँ हाँ, तो वो एक बार में होते हैं उतने, और जब आप एक बंदा 3 से 4 हजार बार सेक्स कर सकता है तो गुना कर दो अरबों खरबों से 4 हजार को, कितने के शुक्राणु, कितने अपने हैं इस आकाश गंगा में, इतने तारे होंगे जितने उतने इंसान एक बंदा पैदा कर सकता है, इतनी क्षमता है भी, एक आदमी के वीर्य से इतनी जनसंख्या हो सकती है जितने आकाश गंगा में क्या है, तारे हैं, ट्रिलियन ट्रिलियन से भी ट्रिलियन, पता नहीं कितने अरबों खरबों की भी कोई अनंत तारे हैं ना, गिनती नहीं संभव है। वैसे ही एक आदमी कमजोरी नहीं आती इससे, कमजोरी भी नहीं आती होगी कमजोरी। अब बताओ पेड़ जब बीज पैदा करता है तो वो कमजोर हो जाता है? वो तो स्ट्रांग होता है,
तो वैसे ही हम वीर्य पैदा करके या वीर्य छोड़ के स्ट्रोंग होते हैं, जैसे फ्लो हो जाता है ना, जैसे आप पेशाब कर लेते हो तो कमजोर हो जाते हो, बताओ? नहीं, पेशाब करने से कमजोर होते हो? ना करने से कमजोर हो जाओगे, बीमारियां लग जाएंगी, वो तो वेस्टेज प्रोडक्ट है। तो वैसे ही ये बीज पैदा करने के लिए प्रोडक्ट है, इसको रखने का फायदा नहीं है, निकलना है तभी नया बनेगा। अब एक बार पेड़ आ गए, पेड़ पर बीज आ गए। अच्छा, आपने इस तरह समझाया मुझको, अच्छा लग रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, पता नहीं क्या, उनसे मैंने ऑनलाइन लिया था इम्यूनिट्स, आपने देखा सुना होगा इम्यूनिट्स, पता नहीं, नहीं जानते होंगे, उधर चलता है, दिल्ली के ही हैं सब, इम्यूनिट्स बनाए हैं, वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने उनको सारा कुछ बता दिया, उससे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो मैंने ये भी बताया कि सर शायद मेरे दिमाग में ये भी है, मैंने ऐसे पढ़ रखा था, तो वीर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत शक्तिवर्धक होता है, या फिर ये होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, और भी बातें हुई थी, और भी बातें उन्होंने बताया था, तो है कि हाँ शक्तिवर्धक तो होता है भाई, उसमें बच्चे पैदा करने की शक्ति होती है, हम कह लो उपचार कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ऐसे बोल दिया, वो जैसा जैसा जिसका दिमाग होता है वैसे ही बोलेगा ना। हम कहें डॉक्टर हो करके, छोड़ो डॉक्टरों व्यापारों को, जो जोधपुरिया सामने है ना, जोधपुरिया से बड़ा कोई नहीं है, जो मैंने कह दिया वही लो पर लकीर है, मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है, बस अब मेरे प्रायण हो जाओ, अब आप मेरी बात मानो, मेरे अलावा सारा जगत झूठ है, बस जी। मैं कह रहा हूं वो आपके लिए अंतिम सत्य है, वीर्य का कोई महत्व नहीं है, इसको जितना निकालोगे उतना नया बनेगा, उतना अच्छा बनेगा, रोक के रखोगे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, दिमाग खराब कर देगा और शरीर को भी खराब कर देगा। जैसे पेशाब को जितना प्रेशर आते ही निकाल देते हैं, सही रहते हैं ना, अगर आप पेशाब निकालो ही ना तो फिर फट जाएंगी ना चीजें, फटेंगी ना नाड़ियां, हाँ, तो खतरनाक हो गया ना रोकना। आप पोटी को रोक के रखो, जिनको पोटी नहीं आती कब्ज हो जाती है, तो कितनी कब्ज से कितनी बीमारियां होती हैं, बोलिए। जो डेली सेक्स नहीं करते, या रोज तो नहीं कहूंगा, हफ्ते में 2-4 बार हस्तमैथुन नहीं करते, वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो हस्तमैथुन करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में तो पढ़ा हुआ है कि हस्तमैथुन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करोगे तो भी फर्क पड़ जाएगा, करना चाहिए। हाँ, इसको तो कई लोगों ने लिखा है, मैंने पढ़ा है। तो अब देखो, आप जो वीर्य को सोचते हो ना भी रोकना, वो बीमारी है, निकालना इलाज है। मेरा ये था कि भाई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्यों वेस्ट करूं? ना ना ना, ना वेस्ट क्या, ये तो बताओ इसको साथ लेके जाएंगे क्या? वीर्य खाने पीने से बना, वो निकलेगा तो ही सही है ना। अब कोई इम्पोर्टेंट क्या है, आंसू कितने के इम्पोर्टेंट है? अभी आंसू रोकते हो कि मैं रो तो लूं लेकिन आंसू ना आए, ऐसा हो सकता है? बोलो जी सर। कि मैं पानी तो पीऊं पेशाब ना आए, पेशाब बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है पेशाब, बताओ? वैसे ये शरीर से ही बना वेस्ट ही तो है, जो बच्चे पैदा करने के काम आता है, बस और क्या काम आना है इसका, और क्या काम, और तो कोई भाई इसको हथेली में रख के जमा के कोई जमावना थोड़ी ना जमा के खाना होता है, है तो बच्चे पैदा करने का ही तत्व, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? खून शक्तिवर्धक क्या है, शक्ति इससे क्या मिलती है? इसको निकालने से हल्कापन जरूर आ जाता है, नींद अच्छी आएगी इसको निकालोगे तो, और रिलैक्स हो जाता है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस में, तो कम हो जाता है ना। अभी क्या समझे? समझ तो बीज जैसे पेड़ के ऊपर एक बार फल आ जाए, वो उसे छोड़े ही ना, तो नए फल आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। उसी प्रकार अगर वीर्य को आप निकालोगे नहीं तो नया वीर्य बन पाएगा? हाँ, ये भी सही। हाँ, तो निकालना जरूरी है ना। तो जो आपने सोचा कि इम्पोर्टेंट है, वो एक कांटा था, कोई शक्तिवर्धक नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका बच्चे पैदा करने में यूज है और कुछ भी नहीं।
हाँ सर, समझ में क्या समझ में आया? यही कि ज्यादा इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया जाना चाहिए, ज्यादा केवल बच्चे पैदा करने के लिए करावा और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। हाँ तो बस फल का मजा लेते हैं या गुठली के बारे में सोचते रहते हैं। तो लोगों के लिए सेक्स की एक्टिविटी का मजा लेने के लिए बनी है, वीर्य के बारे में सोचने के लिए नहीं बना। आप एक्टिविटी करो, उसको प्लेजर लो बस, और उसके बारे में ना सोचो, वीर्य के बारे में। जैसे फल खाते समय हम बीजों के बारे में नहीं सोचते ना कि फल के अंदर बीज आ रहे ये वो, हम तो फल का मजा लेते हैं। आम का मजा रस का लेते हो या गुठली का? आम का। हाँ तो वैसे इस एक्टिविटी में जो मजा है वो लेना होता है, ना कि वीर्य के बारे में सोचना होता है। आप तो गलत जगह पहुंच गए। क्या समझे, बोल तो दिया करो। तो सब पहुंच ही गए थे सर। हाँ? गलत जगह पहुंच गया, और फिर शुरुआत में कोई समझाने वाला भी नहीं। हाँ। एक मिले तो इस तरह से बोले कि निकलता है निकलने दो। हाँ। ये नहीं पूछे कि क्यों तुम्हें प्रॉब्लम क्या है निकलने से, पूरा डिटेल पूछना चाहिए था। हाँ। कि अपने आप से एक डायरेक्ट कोई वो दे रहा है। हाँ। कि निकलता है निकलने दो, तो मैं सड़क भी आके सोच रहा हूँ। तो आपके चेहरे पे रिमूवल हुआ नहीं? हंसी आ गई ना अब? तो कैसा फील कर रहे हो? ठीक फील कर रहे हैं। इतनी दूर आना सार्थक हुआ? जी बिल्कुल। अभी तो थेरेपी करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो आज आप ठीक हो जाओ, कल फिर एंजॉय करेंगे। आज अभी सो के नहीं सर, आता आएगा जरूर आएगा, इसको निकालेंगे। अभी गाली थेरेपी का सेशन आएगा, फिर कैथार्सिस आएगा, नहीं आ जाता है फिर कभी ऐसे आ जाएगा, आएगा उसको आ जाएगी और उसके बाद शुरू हो जाएगा। वो करेंगे आप, गाली थेरेपी करेंगे ना, अभी गाली पर आएंगे। अगर रात में कभी भी अगर ना आए तो मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा होता भी है, अब होने लग जाएगा, अब वो समय आ गया है। हाँ तो आ जाए बहुत अच्छा है सर, लेकिन कभी कभी कोई कोई दवा मैं खा लेता था तो बहुत अच्छा मूड होता था। आज तक मैं समझ नहीं पाया मेरे जो नॉर्मल कंडीशन वो है क्या, इतना ज्यादा परेशान रहता हूँ। तो कभी कभी वो कंडीशन आ जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, अब खुशी अंदर ही अंदर। अब बाहर से भी खुश होना है? वैसे मैं दिखा नहीं पाता हूँ बाहर वाली खुशी, लेकिन अंदर ही हो जाए तभी काफी ठीक है। वो तो अंदर रहेगा तो बाहर दिख ही जाएगा किसी रूप में कभी ना कभी, तो हो जाता है। तो मैं इसको लेकर इसमें तो कुछ था ही नहीं, और क्या? और मैं इतने दिनों से परेशान हो जाता है तब कभी कभार, उसके बाद फिर चालू हो जाता तब इसको मान लेना पड़ता है। ये कोई मुझे आपकी खुशी दिखाई दे रही है, शुरुआत में जब बातें थी बिल्कुल उदासी वाली, अब हंसी आ रही है, छूट रहा है, छूटेगा वीर्य नहीं छूट रहा, वैसे दिमाग में कांटा छूट रहा है। तो उस समय मैं सोचता था ये छोटी सी तो बात थी, इतने दिन उस समय परेशान था, इतने दिनों में फालतू वजह परेशान था, इसे ठीक हो सकता है। और उसके बाद फिर दोपहर शाम होते होते जकड़ लेगा फिर। फिर ऐसा जकड़ेगा कि फिर मानना पड़ जाता कि हाँ ये प्रॉब्लम बहुत कठिन है, जल्दी जा नहीं सकता। हाँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना,
IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।